पूरी सॉइल का 10% ही गार्डन सॉइल डालिए, जिससे हमारी हैंगिंग बास्केट का जो पॉटिंग मिक्स है बहुत लाइट वेट होगा। सूखे पत्तों का इस्तेमाल करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। सबसे पहले हम एक बड़ा सा प्लास्टिक लेंगे और उसको बास्केट में ऐसे फैला देंगे। सॉइल को हम इसी प्लास्टिक के अंदर डालेंगे। इससे पहले हम प्लास्टिक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि जब एक्स्ट्रा वाटर हो तो वो उस छेद के रास्ते पानी निकल जाए और सॉइल में हमारे जरूरत भर का ही पानी रहे, एक्स्ट्रा पानी इस ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। अब हम इसमें पॉटिंग सॉइल डालेंगे। अपनी मनपसंद का किसी भी आकार का प्लास्टिक का बास्केट ले सकते हैं। किचन में जो इस्तेमाल होती है प्लास्टिक की डली, आप उससे भी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। सॉइल हम उतना ही भरेंगे जितना हमारा बास्केट ऊंचा है, उससे ज़्यादा सॉइल नहीं डालना है। इस तरीके से प्लास्टिक के किनारों को अंदर की साइड में मोड़ देना है। हमने पूरी सॉइल जो है बास्केट में डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ी सी वाटरिंग कर लेंगे। वाटरिंग हम स्प्रे से कर रहे हैं। ये हमने पुदीने के कुछ कट्स लिए हैं, छोटी छोटी कटिंग्स। इसको हम इस बास्केट में एक ये जो बोरा सीने के लिए यूज होता है, लोहे का जो सुई होता है, उसकी हेल्प से जो है हम इसमें पुदीने की कटिंग को लगाएंगे। कुछ कटिंग्स बाहर से भी लगाएंगे और कुछ ऊपर से भी लगाएंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं, फालतू के पत्ते नीचे से उन्हें काट के निकाल देना है। अगर आपको डालने में परेशानी हो रही है कटिंग्स को, तो आप इस तरीके से सुई के होल में पीछे से फिक्स कर दीजिए और खींचने पर बहुत ही आसानी से सारी कटिंग्स अंदर लग जाएंगी। इस तरीके से सारे लिप्स नीचे से निकालने हैं और उसको डालकर खींच लेना है। अब देख रहे हैं बहुत ही आराम से सारी कटिंग्स अंदर चली जा रही हैं। इसी तरह हमने चारों तरफ बास्केट के कटिंग्स को लगा लिया है। अब कुछ कटिंग्स हम ऊपर की साइड में भी लगाएंगे, ताकि जब हमारा पुदीना अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो पूरा बास्केट एकदम हरा भरा दिखेगा। पुदीने को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है और गर्मियों का सीजन आ रहा है तो पुदीने का किचन में बहुत ही काम रहता है। हमारे किचन गार्डन में पुदीना होना ही चाहिए। इस तरीके से बास्केट में छोटी छोटी कटिंग्स लगा देनी है। आपकी कुछ कटिंग्स नहीं भी लगेंगी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुदीना बहुत ही आसानी से फैल जाता है और पूरा बास्केट आपका ढक जाएगा। ये प्लास्टिक की रस्सी है, इसकी सहायता से हम बास्केट को तीन साइड से बांध देंगे, ताकि बैलेंस उसका बराबर रहे। इसी सुए की हेल्प से हम बास्केट में प्लास्टिक की रस्सी को लगा रहे हैं। ध्यान रहे कि रस्सी मजबूत लीजिए, ताकि आपकी बास्केट जो है ज़्यादा दिनों तक सेफ टंगी रहे। बास्केट बनाने के लिए जो रस्सी हम बांधेंगे, उसकी तीनों रस्सियों की साइज़ एक बराबर होनी चाहिए, नहीं तो बास्केट हमारी तिरछी हो जाएगी
इस तरह से देखिए चारों रस्सी बिल्कुल एक बराबर है। इस तरीके से उठा के आपको देख लेना है कि बैलेंस बराबर किधर आ रहा है, फिर ऊपर की चारों रस्सियों को एक साथ बांध देंगे। अब इसे मनपसंद जगह पर आप इसे लटका दीजिए और टाइम टू टाइम इसमें हल्की वाटरिंग करते रहना है। ये मेरे पास कुछ स्पंज के टुकड़े पड़े हुए थे जिसको मैं थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में तोड़ करके इसी में डाल दूंगी ताकि जब हम वाटरिंग करें तो एक्स्ट्रा वाटरिंग जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और मिट्टी की नमी बनी रहे। जब भी सॉइल को पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें से पानी जो है सॉइल एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसको सॉइल में फैला देंगे छोटा छोटा टुकड़ा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इस तरीके का स्पंज आपके पास है तो डाल सकते हैं। अब हम हल्के से स्प्रे वाटरिंग कर देंगे इसमें। मिट्टी में नमी तो पहले ही है क्योंकि हमने पहले ही वाटरिंग करी थी। ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। अब धीरे धीरे हमारी मिंट में ग्रोथ होने लगी है। कुछ दिन बाद ये बास्केट पूरा हरा भरा भर जाएगा क्योंकि मिंट में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अब जितने कट्स करेंगे उतने ज़्यादा इसमें नए लीव्स आते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।